सर्दियों का दिन था और शाम हो गई थी। आसमान में बादल छाए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौए बैठे थे। वे सब बार बार कांफ कांफ कर रहे थे और एक दूसरे से लड़ भी रहे थे। इसी समय एक छोटी मैना आई और उसी नीम के पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखते ही कई कौए उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत हैं, इसलिए आज जल्दी अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भूल गई हूं, मुझे आज रात यहां रहने दो। कौओं ने कहा, नहीं, ये हमारा पेड़ है, तू यहां से भाग जा। मैना बोली, पेड़ तो सब भगवान के हैं। इस सर्दी में यदि वर्षा हुई ओले पड़े तो भगवान ही हम लोगों के प्राण बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूं, तुम्हारी बहन हूं, मुझ पर तुम लोग दया करो और मुझे भी यहां बैठने दो। कौओं ने कहा, हमें तेरी जैसी बहन नहीं चाहिए। तू बहुत भगवान का नाम लेती है तो भगवान के भरोसे यहां से चली क्यों नहीं जाती? तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मारेंगे। कौए तो झगड़ालू होते ही हैं। वे शाम को जब पेड़ पर बैठने लगते हैं तब आपस में लड़ाई किए बिना उनसे रहा नहीं जाता। वे एक दूसरे को मारते हैं और कांव कांव करके लड़ते हैं। कौन कौआ किस टहनी पर रात को बैठेगा, यह कोई झटपट तय नहीं हो जाता। उनमें बार बार लड़ाई होती है, फिर किसी दूसरी चिड़िया को वे अपने पेड़ पर तो बैठने ही कैसे दे सकते थे। आपस की लड़ाई छोड़कर वे मैना को मारने दौड़े। कौओं को कांव कांव करके अपनी ओर झपटते देखकर बेचारी मैना वहां से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। कौए कांव कांव करते चिल्लाए, इधर से उधर थोड़ा बहुत उड़े, परंतु ओले की मार से सबके सब घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौए मर गए। मैना जिस आम पर बैठी थी उसकी एक मोटी डाल आंधी में टूट गई। डाल भीतर से सड़ गई थी और पोली हो गई थी। डाल टूटने पर उसकी जड़ के पास पेड़ में एक खोखला हो गया। छोटी मैना उसमें घुस गई। उसे एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ, दो घड़ी बीतने पर चमकीली धूप निकली। मैना उसमें से निकली, पंख फैलाकर चहक कर उसने भगवान को प्रणाम किया और वह उड़ी। पृथ्वी पर ओले से घायल पड़े हुए कौए ने मैना को उड़ता देखकर बड़े कष्ट से कहा, मैना बहिन, तुम कहां रही? तुमको ओलों की मार से किसने बचाया? मैना बोली, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी थी और भगवान की प्रार्थना करती थी। दुख में पड़े हुए असहाय जीव को भगवान के सिवा, लेकिन भगवान केवल ओले से ही नहीं बचाते और केवल मैना को ही नहीं बचाते। जो भी भगवान पर भरोसा करता है और भगवान को याद करता है, उसे भगवान सभी आपत्ति विपत्ति में सहायता देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। भगवान का साथ अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जिन्हें भगवान पर भरोसा होता है। गीता में लिखा है कि जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान खुद की उसकी मदद करने के लिए किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मौन को समझ ले वो पूजनीय होता है, फिर चाहे वो मां हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। गीता में लिखा है कि जिस मनुष्य ने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विपत्तियां हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर व्यक्ति ब्याज के साथ चुकाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अंधकार ही हर मनुष्य का विनाश करता है। अंधकार में आकर व्यक्ति अक्सर ही गलत कार्य कर बैठता है, जिसके बुरे परिणाम उसे आगे चलकर भुगतने पड़ते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। श्रीमद् भागवत पुराण सबसे महान है। इसे सुनने से राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। मानव जब इस संसार में पैदा लेता है तो चार व्याधि उत्पन्न होते हैं, रोग, शोक, वृद्धापन और मौत। मानव इन्हीं चार व्याधियों से धीर कर
इस माया रूपी संसार से विदा लेता है। मनुष्य सांसारिक बंधन में जितना बंधोगे उतना ही पाप के नजदीक पहुंचेगा। इसीलिए सांसारिक बंधन से मुक्त होकर परमात्मा की शरण में जाओ, तभी जीवन रूपी नैया पार होगी। मित्रों, एक बार की बात है, एक गांव के बीच शिव मंदिर में एक सन्यासी रहा करते थे। मंदिर के ठीक सामने ही एक वेश्या का मकान था। वेश्या के यहां रात दिन लोग आते जाते रहते थे। यह देखकर सन्यासी मन ही मन बड़बड़ाया करता था। एक दिन वह अपने को नहीं रोक सका और उस वेश्या को बुला भेजा। उसके आते ही फटकारते हुए कहा, तुझे लाज नहीं आती पापिन, दिन रात पाप करती रहती है, मरने पर तेरी क्या गति होगी। सन्यासी की बात सुनकर वेश्या को बड़ा दुख हुआ। वह मन ही मन पश्चाताप करती, भगवान शिव से प्रार्थना करती, अपने पाप कर्मों के लिए क्षमा याचना करती। बेचारी कुछ जानती नहीं थी, बेबस उसे पेट के लिए वेश्यावृत्ति करनी पड़ती थी, किंतु दिन रात पश्चाताप और ईश्वर से क्षमा याचना करती रहती। उस सन्यासी ने यह हिसाब लगाने के लिए कि उसके यहां कितने लोग आते हैं, एक एक पत्थर गिनकर रखने शुरू कर दिए। जब कोई आता, एक पत्थर उठाकर रख देता। इस प्रकार पत्थरों का बड़ा भारी ढेर लग गया तो सन्यासी ने एक दिन फिर उस वेश्या को बुलाया और कहा, पापिन, देख तेरे पापों का ढेर, यमराज के यहां तेरी क्या गति होगी, अब तो पाप छोड़। पत्थरों का ढेर देखकर अब तो वेश्या कांप गई और भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए रोने लगी। अपनी मुक्ति के लिए उसने वह पाप कर्म छोड़ दिया। कुछ जानती नहीं थी ना किसी तरह से कमा सकती थी। कुछ दिनों में भूखी रहते हुए कष्ट झेलते हुए वह मर गई। उधर वह सन्यासी भी उसी समय मरा। यमदूत उस सन्यासी को लेने आए और वेश्या को विष्णुदूत। तब सन्यासी ने गुस्से में आकर कहा, तुम कैसे भूलते हो, जानते नहीं हो मुझे विष्णुदूत लेने आए हैं और इस पापिन को यमदूत। मैंने कितनी तपस्या की है, भजन किया है, जानते नहीं हो। यमदूत बोले, हम भूलते नहीं, सही है, वह वेश्या पापिन नहीं है, पापी तुम हो। उसने तो अपने पाप का बोध होते ही पश्चाताप करके सच्चे हृदय से भगवान से क्षमा याचना करके अपने पाप धो डाले। अब वह मुक्ति की अधिकारिणी है और तुमने सारा जीवन दूसरे के पापों का हिसाब लगाने की पाप वृत्ति में, पाप भावना में झपतप छोड़ दिए और पापों का अर्जन किया। भगवान के यहां मनुष्य की भावना के अनुसार न्याय होता है, बाहरी दिखावे या दूसरों को उपदेश देने से नहीं। परनिंदा, छिद्रान्वेषण, दूसरे के पापों को देखना, उनका हिसाब करना, दोष दृष्टि रखना अपने मन को मलिन बनाना ही तो है। मनुष्य जो कुछ करता है उसे यह मालूम रहता है कि वह पाप कर रहा है या पुण्य। इसलिए हमेशा खुद का ध्यान रखना चाहिए और अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, एक बार किसी समय में चरवाहों के एक गांव में एक विशाल वृक्ष के नीचे बिल में विषधर नामक एक लंबा काला सर्प रहता था। वृक्ष गांव के एक खेत के कोने में था। वहां पर जो भी जाता विषधर उसे डस लेता और वह व्यक्ति तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। सर्प के डर के कारण लोगों ने उधर जाना ही छोड़ दिया। गांव के चरवाहे लड़के जब अपनी गायों को जंगल चराने जाते तो रास्ते में वही खेत पड़ता। चरवाहे लड़के इस बात का बहुत ध्यान रखते कि वे सदैव पगडंडी पर चलें और भूल कर भी उस वृक्ष के निकट न जाएं। मगर इतनी सावधानी बरतने पर भी कोई न कोई उधर चला ही जाता और काल का ग्रास बन जाता। एक दिन संध्या के समय गांव में एक सन्यासी आए। वे उसी पगडंडी से गुजर रहे थे जिससे चरवाहे गुजरते थे। संयोगवश चरवाहे लड़के जंगल से वापस लौट रहे थे। इधर सन्यासी किसी शांत स्थल की खोज में थे जहां पर बैठकर वे ईश्वर का ध्यान कर सके। तभी उनकी नजर उसी विशाल वृक्ष पर गई जहां विषधर सर्प रहता था। सन्यासी ने चरवाहे लड़कों से पूछा, लड़कों, यह खेत किसका है? मुझे उस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना है, खेत मालिक नाराज तो नहीं होगा? खेत मालिक तो कुछ नहीं कहेगा बाबा, एक लड़के ने कहा, मगर आप वहां मत जाना। वहां विषधर नाम का एक लंबा काला नाग रहता है। वह अत्यधिक क्रोधी है, यदि आप वहां गए तो वह डस लेगा। ओह, यह बात है, चलो कोई बात नहीं, मैं वहां जाकर ध्यान लगा लूंगा, कहकर सन्यासी उस विशाल वृक्ष की ओर चल दिए। चलो चलो, ये बाबा अब बचेंगे नहीं,
किसी लड़के का स्वर उभरा और सभी लड़के अपने अपने घर चले गए। इधर सन्यासी सर्प के बिल के पास पहुंचे ही थे कि विषधर नामक वह लंबा काला सर्प फुर्ती से बाहर आया और फन उठाकर कुंफकारने लगा। सन्यासी ने तेजी से कोई मंत्र पढ़ा और अगले ही पल विषधर का सिर झुक गया और वो वहां से चला गया। वह निढाल होकर जमीन पर लेट गया। सन्यासी ने कहा, देखो मैं ईश्वर का ध्यान करूंगा, तुम विघ्न मत डालना, समझे? कहकर सन्यासी वहीं वृक्ष के पास ध्यान में लीन हो गए और सर्प वहीं पड़ा रहा। धीरे धीरे मंत्रोच्चारण करते हुए सन्यासी की आंखें मुद गईं, उनका संबंध दुनिया से टूट गया और सीधे ईश्वर से जाकर जुड़ गया। और कई घंटे बाद जब सन्यासी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि विषधर उसी तरह निढाल सा जमीन पर पड़ा है। उन्होंने मुस्कुराकर सर्प से पूछा, तुम अभी यहीं हो? जी महाराज, सर्प ने जवाब दिया। तुम सुधर क्यों नहीं जाते? तुम जानते हो कि तुम्हारे जहरीले डस से लोगों की मृत्यु हो जाती है, सन्यासी ने विनम्रता से कहा। मैं खुद यही चाहता हूं महाराज कि मैं सुधर जाऊं, मगर क्या कहूं, मुझे आदत सी पड़ गई है, विषधर बोला। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसके जाप से तुम्हारा स्वभाव नम्र हो जाएगा। ठीक है महाराज। फिर सन्यासी ने सर्प को एक मंत्र सिखा दिया और कहा, मैं एक वर्ष पश्चात फिर आऊंगा, इस मंत्र का जाप मत छोड़ना। कहकर सन्यासी वापस चले गए। जब वे वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें चरवाहे लड़के मिले। उन्होंने सन्यासी को जीवित देखकर पूछा, महाराज उस नाग ने आपको कुछ नहीं कहा? चरवाहे लड़के आश्चर्यचकित सन्यासी को तके जा रहे थे। नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, और हां अब वह एक अच्छा सर्प बन गया है, अब वह किसी को कुछ नहीं कहेगा, कहकर सन्यासी आगे बढ़ गए। मगर चरवाहे लड़के यह सुनकर जड़वत से रह गए थे। उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था कि जो कुछ सन्यासी कह रहे हैं वह सब सच है, मगर सन्यासी को जीवित देखकर उन्हें विश्वास भी करना पड़ा। फिर जल्द ही यह बात सारे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई कि वृक्ष वाला सर्प नम्र स्वभाव का हो गया है। असल में हुआ यह था कि एक चरवाहा लड़का भूल से वृक्ष वाले सर्प के सामने पड़ गया। वह सर्प के इतना नजदीक था कि यदि सर्प चाहता तो एक ही झटके में उसे समाप्त कर सकता था, मगर उसने लड़के को कुछ भी नहीं कहा और वापस अपने बिल में चला गया। यह सब कुछ बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा और इस पर विश्वास किया। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव वालों ने देखा कि सर्प बहुत नम्र स्वभाव का होता जा रहा है। धीरे धीरे गांव वाले उसका डर भूल गए। अब वह किसी को भी नहीं काटता था। सर्प भी आराम से अपना जीवन यापन करने लगा। अब वह घास फल फूल आदि खाकर पेट भरता था। जीवों का भक्षण करना उसने पूरी तरह त्याग दिया था। मगर वक्त को यह शांति मंजूर न थी। जैसे जैसे सर्प नम्र स्वभाव अपनाता गया, उसकी मुश्किलें बढ़ने लगीं। अब जब भी चरवाहे लड़के खेत से गुजरते, विषधर को पत्थर मारे बिना ना रहते, मगर वह इस ओर विशेष ध्यान न देता। कभी कोई पत्थर उड़ता हुआ उसकी पीठ या शरीर के किसी हिस्से से आकर टकराता और वहां से खून बहने लगता, मगर सन्यासी द्वारा दिए गए मंत्र के प्रभाव से उसका हृदय इतना कोमल और सहनशील हो गया था कि वह किसी को कुछ ना कहता और ना कभी क्रोधित होता। मगर यह मनुष्य जाति भी ईश्वर ने अजीब चीज बनाई है। यह जिस वस्तु से डरती है उसका नाम तक लेना पसंद नहीं करती, और जिस वस्तु को डराती है उसके प्राण लिए बिना छोड़ती नहीं। इस जाति के सामने यदि कोई शक्तिशाली ताकतवर और दबंग है तो यह उसके सामने घुटने तक टिका देती है, लेकिन यदि इसके सामने कोई अच्छा और नर्म स्वभाव बनना चाहे तो यह उस पर जुल्म करती है और उसे वापस उसी स्वभाव को अपनाने पर उतारू करती है जिसे वह छोड़ना चाहता है। मगर जो स्वभाव के हठीले व दृढ़ होते हैं वे मरते दम तक वापस नहीं लौटते, और सन्यासी के मंत्र ने विषधर के मन को हठीला और दृढ़ बना दिया था। एक दिन संध्या के समय चरवाहे लड़के जंगल से लौट रहे थे कि उनकी नजर विषधर पर पड़ी। उन्होंने विषधर को पत्थर मारने शुरू कर दिए। विषधर पिटता रहा मगर कुछ बोला नहीं। तभी एक लड़के ने यह सोचकर कि विषधर कुछ कहेगा तो है नहीं, उसकी पूंछ पकड़ ली और हवा में घुमाने लगा।
दूसरे लड़के यह देखकर खिलखिला पड़े, साथ ही वे उस लड़के का साहस भी बढ़ा रहे थे। कुछ देर तक विषधर को घुमाने के बाद लड़के ने विषधर की पूंछ छोड़ दी। विषधर हवा में तैरता हुआ एक पत्थर से जा टकराया और वहीं अधमरा सा हो गया। चरवाहे लड़के हंसते खिलखिलाते वापस लौट गए। इधर विषधर को कुछ होश आया तो वह धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने बिल में आ गया और सो गया। उसके बाद किसी ने भी विषधर को बिल से बाहर आते जाते नहीं देखा। एक वर्ष पश्चात वही सन्यासी वहां आए। वे विषधर के बिल के पास पहुंचे और विषधर को आवाज लगाई, विषधर देखो मैं आया हूं। मगर यह क्या, सन्यासी के कई बार आवाज लगाने पर भी सर्प बाहर न आया। तब सन्यासी ने अपने तपोबल से सर्प की स्थिति जानना चाही और यह देखते ही वे उदास हो गए कि विषधर अपने बिल में मृत पड़ा है। उन्होंने तपोबल से उसकी मृत्यु का कारण जान लिया। कारण जानते ही वे रोने लगे। वे सोच रहे थे कि आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया था, मगर आज ये मुझसे कैसा पाप हो गया। मैं स्वयं भी नहीं कह सकता कि यह पाप है या पुण्य। मनुष्य जो कुछ करता है उसे अवश्य यह मालूम रहता है कि वह पाप कर रहा है या पुण्य, मगर कुछ काम अनजाने में ऐसे भी कर गुजरता है जिसका उसे स्वयं पता नहीं होता कि अमुक कार्य उसके लिए पुण्य का है या पाप का। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसका स्वयं को भी ज्ञान न हो, और फालतू में किसी को तंग भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, एक बार एक जंगल में एक बूढ़ी मां और उसकी पोती रहती थी। बूढ़ी मां काफी परोपकारी स्वभाव की थी। उस जंगल में भटके हुए लोगों की मदद करना, उनको राह दिखाना, इन सब कामों में बूढ़ी मां को बड़ा आनंद आता था। बूढ़ी मां ने अपना पूरा जीवन अच्छे कर्म किए थे, यानी कि हम उस बूढ़ी मां को एक पुण्यात्मा कह सकते हैं। दोस्तों, जहां अच्छाई है वहां बुराई भी होती है। इसी जंगल में चार लुटेरे लूटमार करने के लिए भी आते थे। इस जंगल से गुजरने वाले लोगों को मारना और उनके सारे पैसे व गहने लूट लेना, यही इनका काम था। यह लुटेरे इतने निर्दय थे कि किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे। एक दिन वो रोज की तरह लूटमार कर रहे थे। लूटमार करते करते शाम हो गई। बिजली की चमाकार और बदलों की गर्जना के साथ जोरों से बारिश होने लगी। वह चारों लुटेरे जंगल में सहारे के लिए इधर उधर भागने लगे। अचानक उनको बूढ़ी मां की कुटिया दिखी और वह उसकी कुटिया के पास पहुंच गए। चारों लुटेरों ने तय किया कि जब तक बारिश हो रही है तब तक इस कुटिया में रहेंगे और बारिश बंद होते ही बूढ़ी को मारकर उसका सारा धन लूट लेंगे। उन्होंने झूठ बोलकर बूढ़ी मां से मदद मांगी। उसी जंगल में रहने वाली बूढ़ी एल मां ने भी इन चारों लुटेरों के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। उन्हें एक नजर में देखते ही बूढ़ी मां ने उनको पहचान लिया। वह चार थे और ताकतवर भी, बूढ़ी मां कमजोर थी, इसलिए बूढ़ी मां ने उन्हें ना पहचानने का नाटक किया। बूढ़ी मां को यह भी डर था कि उसके विरोध करने पर कहीं वह चारों उसे और उसकी पोती को हानि ना पहुंचाए। कुछ सोचने के बाद बूढ़ी मां ने उनको रात के लिए सहारा दिया। फिर बूढ़ी मां ने सबके लिए खाना बनाया। सभी जब खाना खाने के लिए बैठे तब खाते खाते बूढ़ी मां ने पाप और पुण्य का विषय छेड़ा। हर एक जन अपने हिसाब से इस विषय में अपनी राय दे रहा था। बूढ़ी मां का कहना था कि हमारे पुण्य हमें जीवन के आखिरी दम तक काम आते हैं और हमारा सुरक्षा कवच बनकर रहते हैं। बूढ़ी मां की ऐसी बातें सुनकर सभी चारों लुटेरे ठहाके लगाकर हंसने लगे। जाहिर सी बात थी कि चारों ही लुटेरे पुण्य की ऐसी बातों में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए हमेशा पाप वाले काम किया करते थे। आखिरी में बूढ़ी मां ने शर्त लगाई। वह बोली, बाहर बिजली गिर रही है, हर एक व्यक्ति उस सामने के पेड़ को छू करके वापस कुटिया में वापस आएगा। जिसके ऊपर बिजली गिरी वह पापी होगा और जो सही सलामत से वापस कुटिया में आएगा वह पुण्यवान होगा। पहला लुटेरा गया और पेड़ को स्पर्श करके सही सलामत से कुटिया में आ गया। ऐसे ही दूसरा गया, फिर तीसरा गया और चौथा गया, और सभी सही सलामत कुटिया में वापस आ गए। अब बारी थी बूढ़ी मां की और उसकी पोती की। बूढ़ी मां के मन में डर आया कि वह चारों ही लुटेरे पुण्यवान निकले। इसका मतलब हम जरूर पापी है, बिजली हमारे ऊपर ही गिरेगी। लेकिन शर्त लगाई थी और पूरी तो करनी ही थी, इसलिए उसने अपनी पोती को गोदी में उठाया और कुटिया के बाहर पैर रखा।
उसी वक्त आसमान से एक बिजली तेज गति के साथ उस कुटिया पर गिरी और कुछ ही देर में उन चारों की उसी जगह पर मृत्यु हो गई। इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि एक पुण्यवान व्यक्ति के सहारे से वो चार पापी सलामत थे, पर जैसे ही वो उनसे दूर हुई तो उनका सुरक्षा कवच जैसे चला गया। दोस्तों, इसलिए हमें हमेशा अच्छे और भलाई के काम करते रहना चाहिए और जितना हो सके सच्चे और अच्छाई के काम करने वाले लोगों के साथ रहना चाहिए, यानी कि सत्संग करना चाहिए और भलाई के काम करने चाहिए। ग्रंथों में मनुष्य के कर्मों का विशेष महत्व बताया गया है। शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु हमारे बीच उसके अच्छे कर्मों की वजह से ही वह जिंदा रहेगा या फिर जाना जाएगा। पृथ्वी पर मनुष्य अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म करता है। अच्छे कर्मों को पुण्य और बुरे कर्मों को पाप के रूप में जाना जाता है। वेद पुराणों में इस विषय को धर्म और अधर्म से जोड़कर बताया गया। धर्म का मतलब पुण्य से और अधर्म का मतलब पाप से जोड़ा गया है। कोई मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में, एक वर्ष में, एक दिन में या एक क्षण में जो भी पाप या पुण्य करता है, उसे उसका फल जीवित रहते हुए या मृत्यु के बाद भुगतना ही पड़ता है। जन्म मृत्यु हियात्य को भुनक्त्यख शुभाशुभम नरकेशु पतत्येक एको याति परां गतिम। अर्थात मनुष्य जन्म मृत्यु के चरक में अकेला ही फंसता है, पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भोगता है, वो खुद अकेला कई प्रकार के कष्ट भी झेलता है, यहां तक कि मोक्ष की प्राप्ति भी अकेले को ही होती है, क्योंकि इस दुख को उसके माता पिता, भाई बंधु, सगे संबंधी कोई नहीं बांट सकते। वेद पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस दुनिया में अकेला जन्म लेता है, मृत्यु के बाद वह अकेला ही परलोक सिद्धारता है। उसके अपने परिजन मुक्तिधाम जाने से पहले ही छूट जाते हैं। मुक्तिधाम पहुंचने के बाद उसके शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है, परंतु उस व्यक्ति के पाप और पुण्य कर्म ही उसके साथ जाते हैं जो वह अकेला ही भोग रहा होता है। यहां आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब व्यक्ति को इस संसार में अकेले ही आना है और जाना भी अकेले ही है, या अगर वह कोई बुरे काम छिपकर करता है तो फिर उसके बुरे कर्मों के यानी पाप और पुण्य के साक्षी आखिर कौन माने जाते हैं? शास्त्रों के अनुसार जिस तरह चंद्रमा दिन में और सूरज रात में नहीं दिखाई देता, परंतु दोनों में से कोई एक हर समय जरूर रहता है, वहीं जिस तरह अग्नि लगातार नहीं जलती है, ऐसे ही संसार में कुछ तो ऐसा है जो हमेशा व्यक्ति के साथ मौजूद रहता है। यही कारण है कि जब मनुष्य कोई बुरा कर्म करता है तो उसकी सूचना धर्मदेव देते हैं और उस प्राणी को उसके कुकर्म का दंड जरूर मिलता है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अच्छे या बुरे काम करता है तो उसके 14 साक्षी माने जाते हैं, जिनमें से कोई ना कोई हर समय मनुष्य के साथ मौजूद रहता है। मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म के साक्षी कौन हैं, आइए जानते हैं। दिन, रात, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, दिशाएं, धर्म, काल, संध्या, आकाश और इंद्रियां। मित्रों, मेरा मानना है कि जो प्राणी अपने कार्य को सही ढंग से निभाने के बाद कोई परोपकार करता है वो ही पुण्य है, और जो अपना कार्य सही ढंग से भी नहीं करता तथा अन्य कार्य में भी किसी को पीड़ा पहुंचाता है, वो घोर पाप का अधिकारी है। कई बार इंसान अपने दिए हुए कार्य को बखूबी से निभाने को ही पुण्य मान लेता है, लेकिन वो उसकी ड्यूटी ही समझी जाती है, वो उसको ईमानदारी व फर्ज की संज्ञा मिल सकती है। जबकि इससे हटकर अगर कोई परोपकारी कार्य या किसी असहाय की मदद करता है, वो पुण्य का भागीदार बनता है। अगर हम शास्त्रों या ग्रंथों को टटोलें तो उसमें भी अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार ही पाप पुण्य को दर्शाया गया है। कहने का भाव यही है कि कर्म ही प्रधान है, इसलिए पुण्य प्राप्त करने के लिए हर प्राणी को अपने कर्मों पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जिन कर्मों से मनुष्य नीचे गिरता है उसे पाप कहते हैं और जिन कर्मों से मनुष्य महान बनता है वो पुण्य कहलाते हैं। हालांकि पाप और पुण्य का तराजू ईश्वर के हाथों में है, क्योंकि कई बार हमारी सोच में आता है कि कई पापी हजारों जीवों की हत्या करके भी सुखमय व निरोग जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं और कुछ पूरा जीवन समर्पित करके भी दुख भोग रहे होते हैं, तो ऐसा कई बार पूर्व जन्मों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। कहने का भाव ये है कि मनुष्य जीवन में आकर हमें श्रेष्ठ कार्य ही करने चाहिए, कोई जैसा भी करे,
सच भी है, जो कार्य जन कल्याण के लिए हो वो पुण्य कहलाता है, क्योंकि जन कल्याण के लिए आरोपियों को सजा भी जरूरी है, और जो कार्य खुदगर्जी व दूसरों को कष्ट में डालकर लाभ हेतु हो वो सबसे बड़ा पाप कहलाता है। अगर हम मंथन करें तो यह सच है, हमें मानव शरीर अच्छे कर्मों के लिए मिला है, लेकिन लालच में फंसकर हम सब भूल जाते हैं और आखिर पाप के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हर प्राणी को अच्छे कर्म करने चाहिए। देखा जाए कर्म तीन प्रकार के आंके गए हैं, प्रारब्ध कर्म जो हमें पिछले कर्मों के कारण हासिल हुए हैं, क्रियामान कर्म जो हम कर रहे हैं, और संचित कर्म जो हमें संस्कारों से मिलते हैं। तो क्यों ना जो हमारे हाथ में है उन्हें सुधारने का समय दें तथा अपने आप को पुण्य का भागी बनाएं। अंत में यही कहूंगा कि कर्म ही महान माना गया है तथा अच्छे कर्मों को पुण्य और बुरे कर्मों को पाप कहा गया है। यह सब मानव के हाथों में है कि वह अपने आप को किस चीज का भागीदार बनाना चाहता है। सच कहां है? काम करो, नित्य ध्यान से मत करो हराम, कर्मशील बन जाओगे, जग में रहेगा नाम। लेकिन कई बार मनुष्य बिना सोचे समझे कुछ ऐसे कार्य कर लेता है जिससे अपना धैर्य खो देता है, या चोरी चुगली से परहेज नहीं करता, या क्रोध से किसी प्राणी की हत्या तक कर देता है, और सोचता है मेरे सभी पाप गंगा जाकर धुल जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। हमें कर्मशील बनना है, कर्महीन नहीं। इसलिए अच्छे कर्म ही हमारे पुण्य के भागी हैं, अटूट सत्य है। पाप शरीर नहीं करता विचार करते हैं, गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोती है। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। और फिर उन्होंने अब यह जानने के लिए तपस्या की कि पाप कहां जाता है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहां जाता है? भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। दोनों लोग गंगा के पास है और कहा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहां पाप धोते हैं, तो इसका मतलब आप भी पापी हुई। गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई, मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूं। अब वे लोग समुद्र के पास गए और कहा, हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है, तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूं। अब वे लोग बादल के पास गए और कहा कि हे बादल, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो इसका मतलब आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूं, जिससे अन्न उपजता है और जिसको मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसीलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। अन्न को जिस वृत्ति कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसीलिए सदैव भोजन शांत अवस्था में पूर्ण रुचि के साथ करना चाहिए, और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए। तो मित्रों, इसलिए हमेशा पाप और पुण्य को ध्यान में रखकर कर्म करते रहना चाहिए। तभी मित्रों मान्यता है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही भगवान हमें फल देते हैं। यही वजह है कि कई बार हम चाहते हुए भी ऐसा काम कर देते हैं जिनका हमें परिणाम भुगतना पड़ता है। अपने जीवन में कितना भी कुछ क्यों कर लें, लेकिन उसको यह बात सोच लेना चाहिए कि जीवन का हिसाब किताब यहीं पर हो जाता है। इसलिए पाप करें तो सोचकर करना और पुण्य करो तो बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि पुण्य का लाभ आपको को कहीं कहीं जरूर मिलेगा। तभी कहा जाता है कि पाप करोगे तो उसका परिणाम आपको तुरंत मिल जाएगा, और उसका एहसास भी आपको को उसी समय हो जाएगा जब आप उसकी सजा को भोगेंगे। लेकिन पुण्य करो तो दिल खोलकर करना, उसके लाभ की कामना भी मन में मत लाना। यदि उसके लाभ के बारे में सोचा तो तुम्हारा पुण्य बेकार चला जाएगा। हमेशा अच्छी तरह करते हैं, अच्छे और बुरे कर्म को पहचानना न तो किसी संत के बस की बात है और न ही किसी ज्ञानी के बस की बात है। साधारण इंसान तो इसको जानता ही नहीं है। हर संत महात्मा, ज्ञानी और साधारण मनुष्य
अपने निहित स्वार्थ के लिए बुरे कर्म को ही अपनी इच्छा अनुसार अच्छा बना लेता है। जिस प्रकार कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने अपने बुरे कर्म को और दुर्योधन के नमक के बदले अच्छे कर्म में बदलने की कोशिश की थी। बुरे कर्म वो कर्म होते हैं जिनको करने बाद भय लगता है और रात को नींद नहीं आती है। उन कर्मों को करने के बाद आपको नकली आनंद की अनुभूति तो अवश्य होती है, लेकिन मन में भय रहता है। अच्छे कर्म वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको न तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला दो प्रकार से होता है। एक तो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा भगवान फैसला करता है। जो फैसला समाज और सरकार करती है वो तो गलत भी हो सकता है, पर जो फैसला भगवान करता है वो कभी गलत नहीं होता है। बुरे कर्मों का आधार भूख, धन, स्त्री, जमीन, सत्ता, यश, ईर्ष्या और शक्ति मुख्य तौर पर होते हैं। इस सब की प्राप्ति लिए मनुष्य बुरे और अच्छे कर्म करता है। अगर आप भूख से मर रहे हैं तो आपको पेट भरने के लिए बुरे या अच्छे कर्म करने होंगे। अगर आपने किसी का भोजन छीना और खा लिया तो बुरा कर्म हो जाएगा। यह छीना हुआ भोजन आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी तथा यह बुरा कर्म आपके चित्त में संचित हो जाएगा। आप बुरे कर्म करके धन कमाते हो, जैसे आपने किसी का अपहरण किया, चोरी की, रिश्वत ली या डकैती डाली, ऐसा धन आपके बुरे कर्मों की श्रेणी में चला जाएगा। ऐसे धन से आपकी आत्मा डर जाएगी और हमेशा डर लगता रहेगा। सबसे ज्यादा बुरे कर्म तो स्त्री को लेकर ही होते हैं, क्योंकि स्त्री की आत्मा का संबंध तो सीधे सीधे आपके कर्म के साथ होता है। इसी प्रकार हम जमीन और जायदाद को लेकर बुरे कर्म करते हैं, दूसरे के मकान पर और जमीन को कब्जा कर लेते हैं। इसके कारण जो आत्मा की बद्दुआ लगती है वो भी बुरे कर्म के खाते में चली जाती है। इसी प्रकार सत्ता प्राप्ति के लिए हम जघन्य बुरे कर्म करते हैं, अपने निहित स्वार्थ के लिए लाखों लोगों की हत्या कर देते हैं या करवा देते हैं। इसी प्रकार हम अपने यश और शक्ति को ज्यादा करने के लिए दूसरे लोगों के यश और शक्ति को कुचलते हैं। अपने को हम श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरों को नकारा या अज्ञानी बताते हैं। एक दूसरे के ज्ञान पर ईर्ष्या से अंधे होकर कटाक्ष करते हैं। ये सभी घोर और जघन्य बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। बुरे और अच्छे कर्म का निर्धारण करने के लिए आप महीने में सिर्फ एक बार ध्यान में, योग में, साधना में मरने की कल्पना करो कि मैं मर रहा हूं। जब आपको लगेगा कि मैं मर रहा हूं और मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो उस समय आपके एक महीने के सभी बुरे कर्म और अच्छे कर्म आपके पास आ जाएंगे और आपकी चारपाई के चारों तरफ घेरा बना लेंगे। आपको चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि क्या क्या बुरा कर्म किया है आपने इस महीने में, और मौत के वक्त आप बुरी तरह से उन बुरे और जघन्य कर्मों के डर से भयभीत हो जाएंगे। आपको मरने से डर लगेगा। इसी प्रकार आपके सभी अच्छे कर्म भी आपके चारों तरफ घूम रहे होंगे और बोल रहे होंगे, जाओ खुश होकर मरो, आपने दुनिया के लिए अच्छे कर्म किए हैं, आपको स्वर्ग मिलेगा और चैन से मृत्यु को प्राप्त करोगे। जब भय के कारण मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का रास्ता बुरे मार्ग से होता है, और जब प्रसन्न मुद्रा में मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने रास्ता अच्छे मार्ग से होता है। अपने बुरे और अच्छे कर्मों का विश्लेषण रोजाना सोने से पहले अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आनंद कूट कूट कर भर जाएगा। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसे कर्म करता है उसे वैसा परिणाम मिलता है। किसी के साथ बुरा करने पर मनुष्य के साथ भविष्य में या अगले जन्म में बुरा जरूर होता है। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी का बुरा करने के बाद बच सकते हैं, क्योंकि भगवान आपके हर कर्मों का हिसाब रखता है। यदि कोई व्यक्ति स्वार्थ के लिए किसी का बुरा करता है या अधिकांश बुरे कर्मों में लिप्त रहता है, उसका जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि वो दुख ना भोगे। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि जो बुरे कर्म करता है वह मृत्यु के पश्चात नरक में जाता है, जहां उसे उसके कर्मों के आधार पर सजा दी जाती है, तथा जिसके अच्छे कर्म होते हैं वह मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाते हैं। मित्रों, भगवान की भक्ति में लगा रहना, दया और सेवा की भावना रखना, किसी का बुरा नहीं सोचना, माता पिता की सेवा करना, पशु पक्षियों के लिए प्रेम की भावना रखना, प्रकृति का ध्यान रखना, ये सभी अच्छे कर्म हैं, और किसी जरूरतमंद की मदद करना ही सबसे उत्तम कर्म है। जिस तरह अच्छे कर्म निर्धारित किए गए हैं उसी प्रकार बुरे कर्म भी निर्धारित किए गए हैं। मित्रों, चोरी करना,
किसी भी जीव को तकलीफ पहुंचाना, माता पिता की सेवा न करना, नशा करना, मांसाहार करना सब पाप है, और जानबूझकर किसी के साथ बुरा करना ये पाप कर्म है। मित्रों, एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। महात्मा को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कम बोलना और शांत रहकर अपने काम से काम रखना महात्मा को पसंद था, लेकिन उनका शिष्य बहुत ही बातूनी था। वह सारा दिन इधर उधर की बातें ही किया करता था और दूसरों की बातों में उसे बहुत आनंद आता था। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहां एक मछुआरे को पानी में जाल डाले मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को यह बात बहुत बुरी लगी और वह मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा, लेकिन मछुआरा उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं हुआ। पहले मछुआरा शिष्य की बात को टालता रहा, लेकिन जब शिष्य उसकी बात नहीं माना तो दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई। जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे तो महात्मा आगे निकल गए, लेकिन जब महात्मा ने दोनों को आपस में बहस करते हुए देखा तो वह वापस लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा, और शिष्य का हाथ थामकर महात्मा उसको अपने साथ ले गए। महात्मा ने शिष्य को कहा, बेटा, हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, हमारे राजा को इस तरह के लोगों के बारे में पता है जो इस तरह के बुरे कार्य करते हैं, और ना ही वह इनको दंड देते हैं। आखिर इस तरह के लोगों को सजा कौन देगा? शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि बेटा, तुम परेशान मत हो, इनको सजा देने वाली भी एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है जो सब कुछ जानती है। भगवान की नजर सबके ऊपर है और वह सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल पहले वाली मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। वहां उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत परेशानी में था। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे यह सब देखा नहीं गया। वह सांप को बचाने के लिए जाने ही लगा था कि महात्मा ने उसका हाथ थाम लिया और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरु से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? महात्मा ने कहा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर यह दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना होता ही है। शिष्य ने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो यह इतना भयंकर कष्ट भोग रहा है? महात्मा ने कहा कि यह वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों को ना मारने का उपदेश दिया था, और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वह मछलियां ही यह चींटियां हैं जो इसको नोच नोच कर खा रही है। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, यह तो बहुत ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में ही स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है, जो हम करेंगे वह एक दिन हमें भोगना ही होगा। महात्मा ने कहा कि हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरुजी की बात समझ में आ गई। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फलस्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे, इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। ईश्वर जो कुछ भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है, लेकिन हम पता नहीं यह क्यों सोचते हैं कि ईश्वर हमारे लिए गलत कर रहा है। हमसे ज्यादा ईश्वर को पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। जब कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो, तो अच्छे का अर्थ होता है कि पक्षपात रहित होकर ऐसे कर्म करो कि किसी को भी उस कर्म से कष्ट न पहुंचे। आप अपने जीवन में कामयाब हो या फिर नाकामयाब, ये सभी आपके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम होता है, जिसे दुनिया कर्म के रूप में जानती है। जीवन में कुछ भी संयोग से या फिर कहें भाग्य से कुछ नहीं होता। आप अपने कार्यों से अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं, जिसे कर्म कहते हैं। हमारे द्वारा किया गया कर्म हमेशा 2 दिशाओं में चलता है। यदि हम पुण्य कर्म का जीवन में बीज बोते हैं तो निश्चित रूप से हमें सुख का फल प्राप्त होगा, जबकि हम पाप कर्म का बीज बोते हैं तो हमें उसके दुष्परिणाम रूपी फल के लिए तैयार रहना होगा।
जीवन में व्यक्ति को हमेशा बगैर किसी लाभ की आशा के अपने कर्म को निर्विकार भाव से करना चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊपर उठाते हैं और कर्म ही ऊंचाई से उठाकर जमीन पर भी पटक सकते हैं। कर्म नियमों के अनुसार कर्म का योग ही ईश्वर है। व्यक्ति को ईश्वर से नहीं बल्कि अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको माफ कर सकते हैं, लेकिन आपके बुरे कर्म आपको कभी माफ नहीं करते। हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग में जा सकते हैं, वहीं बुरे के द्वारा व्यक्ति को नरक की यातनाएं झेलनी होती हैं। जिस व्यक्ति की सोच जैसी होती है, उसके कर्म वैसे ही होते हैं। अगर व्यक्ति अपने कर्मों से ही दोस्ती कर लेता है तो वह हमेशा फायदे में रहता है। कर्म नियमों के अनुसार व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी आपको खूबसूरत मौके देती रहेगी। जो नियमों में बंधकर जीवन यापन करता है, वह लक्ष्य की प्राप्ति भी करता है। कर्म को यदि हम पूजा बना लें तो बंधनों से मुक्ति भी संभव है। कर्म वो आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। व्यक्ति को हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे वह किसी के काम आ सके। कर्मों की ताकत इतनी है कि इसी के चलते स्वर्ग का सुख ऐश्वर्य भोगने के पश्चात इंद्र को भी अच्छे कर्मों के अभाव में दोबारा योनियों में भटकना पड़ा था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो? कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखे और बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।